वहीं राजस्थान से राज्यसभा सांसद बने राजेंद्र गहलोत और नीरज डांगी ने दिल्ली में राज्यसभा सांसद पद की शपथ ली। इस मौके पर उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी भारत दीक्षित ने। राजस्थान से राज्यसभा सांसद बने नीरज डांगी ने आज राज्यसभा सांसद पद की शपथ ग्रहण की। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नीरज डांगी जी, उनसे बात करते हैं। डांगी जी, कांग्रेस ने आप पे विश्वास जताया, आपको राज्यसभा से सांसद आपने बनाया, आप किस तरह की प्राथमिकता है राजस्थान के लिए रहने वाली है? देखिए, राजस्थान के लिए मैं समझता हूँ कि दोनों ही हाउसेज में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, राजस्थान मूल से मैं अकेला सांसद रहूँगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और इसके अलावा वेणुगोपाल जी और मनमोहन सिंह जी जो है उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिलेगा। सदन में जहाँ तक प्रश्न है राजस्थान की बात को उठाने का, वो तमाम मुद्दे जो राजस्थान के विकास के हित में होंगे उनको पुरजोर तरीके से उठाने का काम हम तीनों सांसद करेंगे। मुझे उनका सानिध्य मिलेगा ऐसा मैं मानता हूँ, और राजस्थान में एक जो है बहुत बड़ा विश्वास कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर जताया, तो मैं समझता हूँ कि उस विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करें। जो तमाम मुद्दे जिसमें प्राथमिकता के रूप में राजस्थान में पेयजल की समस्याएं अगर हैं, बिजली की कोई परेशानी है, अन्य तरीके से, जैसे यहाँ पर अभी हाल ही के अंदर कोविड का बहुत कुशल प्रबंधन अशोक गहलोत जी सरकार ने किया था, कोविड में ये देखने को मिला है कि श्रमिकों का बहुत बड़ा हिस्सा जो है हिंदुस्तान के अंदर था, वो तमाम श्रमिक राजस्थान में लौटे हैं कोविड की वजह से, उन्हें रोज़गार की बहुत बड़ी समस्या आ रही है। तो हम लोगों ने मांग पहले भी उठाई थी कि नरेगा में है 100 दिन के कार्य दिवस को बढ़ा करके 200 दिन का किया जाए, वो भी केंद्र सरकार ने नहीं किया, वो मांग रहेगी। इसके अतिरिक्त श्रमिकों के जो है विकास के लिए, उनके रोज़गार के लिए, उनके कार्यों के लिए हम लोग जो है राज्यसभा के अंदर सदन में पुरजोर तरीके से अपनी मांग को उठाएंगे। एक ऑडियो टेप वायरल हुआ था जिसमें गजन सिंह का नाम आया था, लेकिन अब उनका कहना कि ये कांग्रेस की आंतरिक कलह, इसलिए उस तरह की आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ऑडियो टेप को लेकर के बहुत बड़ी बात जो है हमारे नेतृत्व ने की है, अशोक गहलोत जी ने भी की है। टेप्स जो है पूरी तरीके से सत्य पर आधारित हैं, उसकी तरह से उसमें कांग्रेस की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई छेड़छाड़ नहीं है, यथावत जैसी टेप है, FSL की रिपोर्ट सारी सामने है। परिस्थितियां जिस तरह की हैं, भारतीय जनता पार्टी अब बौखला गई है, अचानक जब उनका असली चेहरा सामने आया है जनता के, तो वो अपने इस कृत्य को छुपाने के लिए, उन्होंने जो साजिश की है उस साजिश को ढकने के लिए इस तरह की वो बात कर रहे हैं। बहुत जल्द हर चीज़ का खुलासा होगा। देखिए, ये थे नीरज डांगी जिनका कहना है कि राजस्थान की जितनी भी समस्या होंगी उनको पुरजोर तरीके से सदन में उठाने का काम है वो करेंगे। इसी के साथ जिस प्रकार का घटनाक्रम राजस्थान में फिलहाल चल रहा है उसमें उनका कहना है कि BJP का जो असली चेहरा है वो सभी के सामने आ गया है। कैमरा पर्सन पवन के साथ भारत दीक्षित, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।